हेलो दोस्तों, प्रसन्न मैं चलो यूनिक एडम, आपको स्वागत है। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो गूगल पे का टैक्स वाल का जो टैक्स था, जो ऑफर था, उसको आप कैसे कंप्लीट कर सकते हैं और 600 रुपये तो कैश पर ऑन कर सकते हैं। देखिए, पहले एक मेरा वीडियो अपलोड था कि गूगल पे का क्या ऑफर है और टैक्स वाल को आपको कैसे वो ऑफर को कंप्लीट करना है। जो टैक्स दिया गया है, जो 6 ट्रांजेक्शन आपको करना है गूगल पे से, वो कैसे करना है या उसका टर्म एंड कंडीशन क्या है, हम पूरा कंप्लीट उस वीडियो में बात किए थे। मगर उस वीडियो में काफ़ी सारा कमेंट ऐसा है कि कैसे, जैसे कि पे मर्चेंट ऑनलाइन को कैसे हम कंप्लीट करें, मर्चेंटा में कैसे जो भी मर्चेंट अकाउंट में स्कैन करके पे करें तो वो कैसे करें, इसके बारे में कंप्लीट हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, जो 6 टैक्स था, एक तो मोबाइल रिचार्ज, एक पे ए मर्चेंट ऑनलाइन, एक पे बिल और DTH, एक स्कैन एंड पे एनी मर्चेंट ए सेंड मनी टू फ्रेंड या डू ए बैंक ट्रांसफर। जो 6 ट्रांजेक्शन है, वो 6 ट्रांजेक्शन आपको कैसे करने मैं आपको लाइव इस वीडियो में करके बताऊंगा। अब मेरे पास 2 मोबाइल है, मैं दोनों मोबाइल्स में आपको वो 6 टास्क अभी कंप्लीट करके बताने वाला हूँ। बस आप वीडियो का आखिर तक बनाइए, फिर अगर आपको कोई भी डाउट होता है जो आप कमेंट करते हैं, तो मैं सोचा कि वो कमेंट के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि वो 6 के 6 ट्रांजेक्शन आप कंप्लीट कर सकते हैं। बस सिंपल सा मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आप वो 6 टास्क को कंप्लीट कर देंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, चलते मोबाइल स्क्रीन में, मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर पूरा कंप्लीट करके बताता हूँ। उससे पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करिए, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करिए कि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसे नोटिफिकेशन आप जाए और आप वो वीडियो पहले देख सके। चलते मोबाइल स्क्रीन पर, मैं आपको मोबाइल स्क्रीन अभी स्क्रीन पर आपको 6 टास्क कंप्लीट करके बताऊंगा गूगल पे का टैक्स वाल का ऑफर के। हेलो दोस्तों, देखिए ये मेरे पास 2 मोबाइल है, मैं अभी 2 मोबाइल पे सारे टैक्स कंप्लीट करके बताऊंगा। जो टैक्स वाल का ऑफर है गूगल पे का, उसका सारे टैक्स अभी मैं आपके सामने कंप्लीट करके बताऊंगा। तो चलते हैं पहले टैक्स वाल में, मैं टैक्स वाल को ओपन कर लेता हूँ। अभी देखिए, मैं एक ही ऑफर को कंप्लीट किया हूँ, बस मोबाइल रिचार्ज ही किया हूँ। तो अगर आप रिचार्ज नहीं किए, सिंपल सी बात है, यहाँ पर रिचार्ज के ऑप्शन पर क्लिक करिए और जब भी आप रिचार्ज का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपको कोई भी एक मोबाइल नंबर देकर रिचार्ज कर लीजिए 50 रुपीज़ के ऊपर, आपका एक टैक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो और ये पे मर्चेंट है, यह मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, पे बिल भी आपको बताऊंगा। तो अब ये चलते हैं स्कैन एंड पे मर्चेंट है। तो ये स्कैन एंड पे मर्चेंट ऐसा है कि जिससे कभी गूगल पे में बिजनेस अकाउंट होगा उनका QR कोड पे आपको पे करना पड़ेगा, वो भी 50 रुपीज़। देखिए, स्कैन एंड पे एनी मर्चेंट और पे मर्चेंट ऑनलाइन ये अलग अलग है। पे मर्चेंट ऑनलाइन का मतलब यही होता है कि अगर आप ऑनलाइन पे, जैसे कि जोमेटो हो गया या अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, और वहाँ से आप शॉपिंग करते हैं और वहाँ पे आप पेमेंट करते हैं उनके मर्चेंट में गूगल पे के थ्रू, तो ये ऑफर काउंट होगा। और स्कैन एंड पे एनी मर्चेंट मतलब कि अगर जिसके गूगल पे में मर्चेंट बिजनेस अकाउंट मर्चेंट अकाउंट होगा उनका ये ऑफर काउंट होगा। तो चलते हैं, ये दो के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम स्कैन एंड पे करते हैं। और स्कैन एंड पे करने के लिए मेरे पास एक और एक मोबाइल है और इसमें मेरा बिजनेस अकाउंट है, तो मैं मेरा गूगल का बिजनेस अकाउंट ओपन करता हूँ। गूगल बिजनेस अकाउंट ओपन करता हूँ, अगर आपका गूगल पे का बिजनेस अकाउंट है नहीं तो आप गूगल पे बिजनेस अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और जब भी मैं गूगल बिजनेस अकाउंट ओपन करूँ तो यहाँ पर QR कोड है, तो ये जो QR कोड निकला तो मैं इसको अभी स्कैन एंड पे करके, तो मैं इसको अभी पेमेंट कर लेता हूँ। पेमेंट कितना करना है मुझे, 50 रुपीज़ पेमेंट करना है, तो मैं 50 रुपीज़ पेमेंट कर लेता हूँ। और मैं UPI पिन पे पेमेंट हो रहा है अभी। देखिए, ये मेरा एक पेमेंट यहाँ पर आ चुका है, तो एक मुझे एक पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। जितना भी आप पेमेंट करेंगे ना, तो ये थोड़ी टाइम के बाद ये अपडेट होगा। तो हम चलते अभी, हमारा एक अभी स्कैन एंड पे वाला ऑफर को हम एलोट कर लिए। अभी सेंड मनी टू फ्रेंड, तो अभी आते सेंड मनी टू फ्रेंड, तो सेंड करते हैं और आपको कोई भी एक फ्रेंड का मोबाइल नंबर पे यहाँ पर आपको 50 रुपीज़ भेजना है। तो मैं एक मोबाइल फ्रेंड को भेजता हूँ, तो कोई भी फ्रेंड को मुझे भेजना है, तो मुझे भेजना है फ्रेंड के, किसी भी फ्रेंड पे मुझे भेजना है। और मैं यहाँ पर पे करता हूँ और 50 रुपीज़ पे कर लेता हूँ। सेम प्रोसेस है, मैं मेरा UPI पिन यहाँ पर एंटर कर, अभी ये UPI पिन एंटर कर लिया। देखिए, मेरा UPI पिन अभी एंटर हो चुका है, वही मेरा 2 पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। तो चलते हैं बैक, अभी मेरा हम जो फिर टैक्स वाल पे चलते हैं। अभी देखिए, ये मेरा रिचार्ज कंप्लीट हो चुका है, स्कैन एंड पे कर चुका हूँ और सेंड मनी टू फ्रेंड कर चुका हूँ। अभी बैंक ट्रांसफर करते हैं, तो सेम प्रोसेस है, ट्रांसफर टू बैंक। तो यहाँ पर मैं अकाउंट नंबर और ये अकाउंट नंबर IFSC कोड और मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर अकाउंट नंबर और ये अकाउंट नंबर IFSC कोड नाम एंटर कर चुका हूँ। यहाँ पर मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ और मुझे 1000 रुपये भेजना है, तो मैं 1000 कर लेता हूँ और सेंड मनी पे क्लिक करता हूँ और पे करता हूँ। और सेम प्रोसेस है, मैं पहले UPI पिन एंटर, अभी मेरा UPI पिन एंटर हो रहा है।
अभी ये भी पेमेंट होगा, अभी ये देखिए जो ये पेमेंट हो रहा है ना, तो 5-10 मिनट में अपडेट हो जाएगा। तो मैं 5-10 मिनट तक वेट करता हूँ, तो मैं 5-10 मिनट वेट कर लेता हूँ और मैं फिर देखता हूँ कि मेरा कितना कंप्लीट हुआ है। तो मैं थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ, रिफ्रेश करने बाद आपको देखिए एक एक करके अभी ये देखिए देखिए तीनों को तीनों कंप्लीट हुआ, अभी तीनों में राइट राइट क्लिक आ चुका है। अभी बात आ चुका है कि मेरा अभी क्या क्या कंप्लीट हुआ है, मेरा रिचार्ज कंप्लीट हो गया, स्कैन एंड पे एनी मर्चेंट कंप्लीट हो गया। अब सिंपल सी बात है, स्कैन एंड पे एनी मर्चेंट आप कोई भी गूगल पे मर्चेंट अकाउंट पेमेंट कर लीजिए, सेंड मनी टू फ्रेंड, तो कोई भी फ्रेंड को आप 50 रुपीज़ पे कर लीजिए जो जिसके पास गूगल पे का अकाउंट होगा, और आप कोई भी बैंक अकाउंट में अपना 1000 रुपये सेंड कर लीजिए। अभी ये 4 कंप्लीट, अभी मेरे पास बच गया 2, एक पे मर्चेंट ऑनलाइन और पे बिल और डीटीएच। देखिए ये पे बिल और डीटीएच में हम इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, पोस्टपेड में बिल पेमेंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत आसान है, आप यहाँ पे कोई भी अगर डीटीएच रिचार्ज करना चाहते हैं तो आप सिंपल सी बात है पे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट कर सकते हैं या डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि पे ए मर्चेंट ऑनलाइन, अच्छा ये आप कैसे कर सकते हैं, देखिए मैं इसका एक ट्रिक बताता हूँ आपको, आपको ट्रिक को समझना है। तो आपको पहले ट्रिक समझने से पहले आपको इसी अकाउंट का आपका आप इसी अकाउंट का आपको क्या करना है, आपका जो भी UPI ID है उसी UPI ID को आपको नोट करना है। आप यहाँ पे UPI ID निकालना पता नहीं तो मैं बताता हूँ UPI ID सिंपल से आते हैं। मैं फिर से गूगल पे अकाउंट ओपन करता हूँ और UPI ID को निकालता हूँ। देखिए जाना है प्रोफाइल पे और आपका UPI ID ये है, तो आप आपका UPI ID को नोट कर लीजिए। तो मेरा मैं आप UPI ID नोट कर लीजिए, मैं और एक मोबाइल लगाता हूँ। तो आपको क्या करना है, जोमाटो में जाना है, यहाँ पे आपको जोमाटो में जाना है। तो आपको जोमाटो आपको ये इसको अभी छोड़ रखने, आपको पहले ये याद रखने, आपको यहाँ पर अपना UPI ID को नोट करना है। तो आप UPI ID नोट कर लिए, तो आपको जोमाटो में जाना है। जोमाटो जाने के लिए आपको कोई भी एक ऑर्डर करना है, तो आप अपना कोई भी एड्रेस दे दीजिए और एक ऑर्डर जोमाटो में एक ऑर्डर करिए, कुछ भी एक ऑर्डर कर लीजिए 100 रुपये से ऊपर, कुछ भी एक आपको ऑर्डर करना है। जैसे कि मैं कुछ भी एक ऑर्डर कर लेता हूँ, जैसे कि ये 100 रुपये है, तो मैं ये 100 रुपये ऑर्डर करता हूँ। आपको ध्यान से देखना है इस चीज़, ये ट्रिक को ध्यान से समझना है, इस चीज़ को ध्यान से समझना है। तो आपको आपको ऑर्डर क्या करना है, तो अब मैं इसके जैसे कि ऐड कर लेता हूँ, तो व्यू काट करता हूँ और आपको यहाँ पर ऑर्डर करना है। और आपको ऑर्डर कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, आपको ट्रिक को समझना है सही तरीके से। देखिए मेरा अभी 136.50 रुपये है, तो मैं पे करूँगा। तो पे करने के लिए पे यूजिंग तो यहाँ पर है, तो पे यूजिंग पे जाना है। आप देख सकते हैं, मैं फिर से बैक कर बताता हूँ आपको, यहाँ पर पे यूजिंग है, तो आपको यहाँ पर पे यूजिंग पे जाना है। और आपको यहाँ पर UPI ID आपको लोड किए थे ना, तो वो UPI को यहाँ पर यूज़ करें, तो आप UPI पेमेंट जाएंगे पे भैया UPI, तो आपको पे भैया UPI ने और इस वो UPI को यहाँ पर एंटर करें। तो यहाँ पर मैं वो पहले लिख चुका हूँ, तो मैं कॉपी कर चुका हूँ, तो यहाँ पर एंटर करता हूँ। आपको ऑर्डर करना है, तो पेमेंट मेथड पे पे UPI क्लिक करना है, पे UPI क्लिक करेंगे तो सेव आपको यहाँ पर UPI डालना है, तो आपको सेव UPI पे यहाँ पर UPI डाल के पेमेंट करना है। तो हम पेमेंट करते हैं, तो और जब भी पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया हमको पेमेंट करना है। देखिए पेमेंट करना नहीं, आपको बस प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। जब भी प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन आया ना, यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर बैक करना है, आपको यस करना है। अभी आपका कैंसिल आपको कंप्लीट आपका ऑर्डर कैंसिल हो गया, आपको यहाँ पर पे करना है। ये आपका पेमेंट है वो रिटर्न आ जाएगा, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आप ऑर्डर कैंसिल कर चुके हैं और यहाँ पे पेमेंट कर चुके हैं। आप ये सोच रहे हैं ये पेमेंट आपको वापस मिल जाएगा, तो आप पहले हम ऑर्डर पर जाएंगे, आपके पास जोमेटो में ऑर्डर पर जाएंगे और यहाँ पर जो योर ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, तो आप योर ऑर्डर पर क्लिक करके देख सकते हैं प्रोसेसिंग रिफंड रिपीट ऑर्डर। तो ये जैसे कि मेरा एक डिलीवरी हो गया था, तो प्रोसेसिंग रिफंड मतलब ये जो ऑर्डर था आपका, ये ऑर्डर आपको कैंसिल हो जाए और रिफंड पे चला जाएगा, तो आपका जो अमाउंट है ना यहाँ पर रिफंड आ जाएगा। और रिफंड आने के बाद देखिए योर रिफंड पास भी नहीं इंटरनेट रिफंड योर जोमेटो ऑर्डर, तो ये आपको यहाँ पर रिफंड आ जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। अभी रिफंड अभी रिफंड का मैसेज आ चुका है और हमारे पास रिफंड पे आ जाएगा। तो आप यहाँ पर ऐसे करने से क्या होगा ना, आपका जो पे मर्चेंट ऑनलाइन का जो था ना वो आपका देखिए अभी मैं आपको देखा पे मर्चेंट ऑनलाइन ये अभी कंप्लीट हो चुका है, आपका पे मर्चेंट ऑनलाइन कंप्लीट, अभी आपका 5 टास्क कंप्लीट हो गया। बस एक टास्क बताए वो पे आप इलेक्ट्रिक बिल पे कर सकते हैं, डीटीएच का पे कर सकते हैं। तो आप इसको पे करने के बाद आपका टास्क कंप्लीट हो जाएगा और आपको ऑफर के लिए आपको एक स्क्रैच कार्ड मिल जाएगा, जो स्क्रैच कार्ड स्क्रैच कर सकते हैं, जो दूसरा स्क्रैच कार्ड मिलेगा वो 17 फरवरी को अनलॉक होगा। तो इससे आप अगर चाहते तो अपना जो टैक्स वाल टैक्स का टैक्स है वो कंप्लीट कर सकते हैं इससे, इस ट्रिक को यूज़ करके।
अब देखिए मैं पे भी बिल भी कर चुका हूँ, और पे बिल करने वाले मुझे एक और एक स्क्रैच कार्ड मिल चुका है। अभी देखिए मेरा छः के छः ट्रैक्स कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मैं चलता हूँ रिवार्ड सेक्शन पे, मैं देखता हूँ मुझे क्या रिवार्ड मिलता है। देखिए क्लेम रिवार्ड का एक आ चुका है ऊपर, क्लेम योर रिवार्ड, तो मैं क्लेम योर रिवार्ड करता हूँ। मुझे देखिए दो स्क्रैच कार्ड मिल चुका है, तो मैं एक पहले एक स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच कराता हूँ। अब देखता हूँ कितना कैसा मिला है मुझे, 20 से लेकर 300 रुपये तक। अभी ये देखिए मुझे 20 रुपये मिला है, एक स्क्रैच कार्ड 20 रुपये मिल चुका है मुझे। अभी और देखते हैं, और जो दूसरा स्क्रैच कार्ड है वो दूसरा स्क्रैच कार्ड आपका अनलॉक होगा 17 फरवरी को। तो मैं अभी देखिए अवेलेबल आफ्टर 2 PM पास्ट ऑन 17 फरवरी, तो ये जो स्क्रैच कार्ड है वो 17 फरवरी को अनलॉक होगा। तो आपके सामने में पूरा लाइव करके छः ट्रैक्स कंप्लीट करके लाइव करके बताया, और दो स्क्रैच कार्ड भी आपको मैं आपके सामने दो स्क्रैच कार्ड भी दिखा दिया। देखिए कितना सिंपल था ना, अभी वो 6 के 6 टास्क भी कंप्लीट हो गया और हमको कैशबैक भी मिल गया, और एक जो कैशबैक मिला है वो आपको अनलॉक होगा 17 फरवरी को। 17 फरवरी को अनलॉक होने मतलब उसको उस वहाँ पर फ्लैट 300 रुपये तक कैशबैक मिल सकता है। देखिए ये 14 फरवरी तक है, अगर आप अभी तक भी गूगल पे का पार्टिसिपेशन नहीं किए तो अभी जाइए गूगल पे को अपडेट करिए, और मैं जैसे भी आपको ट्रिक बताया वो 6 ट्रांजेक्शन कैसे कंप्लीट करना है, सेम प्रोसेस से आप वो 6 टास्क को कंप्लीट करिए और आप भी अर्न कर सकते हैं 600 रुपये तक कैशबैक। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करिए कि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप आ जाए और आप वो वीडियो पहले देख सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ नया बात और कुछ जानकारी लेकर।